दोस्तों इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें जे उसो अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स को वैकेट करके सोलो सिकवा को देते हुए दिख सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों जैसा कि रॉयल रंबल 2023 में सैमी जॉन ने धोखा देकर ट्रैवल शिप पर चेयर से अटैक कर दिया और उसके बाद द ब्लड लाइन ने सैमी जॉन को खूब धोया। लेकिन दोस्तों वहां चौंकाने वाली बात यह था कि जे उसो ने सैमी जॉन पर अटैक नहीं किया और रोमन रेंस को आंखें दिखाकर रिंग छोड़कर बैक स्टेज चले गए। और दोस्तों रिसेंट के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में जे उसो नहीं दिखे। दोस्तों रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में जे उसो के भाई और रोमन रेंस ने यह क्लियर कर दिया कि जे उसो से उनकी बात नहीं हुई, मतलब रॉयल रंबल के बाद से जे उसो किसी के टच में नहीं है। अब दोस्तों कहानी यह है कि इस वीक होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में उसोस ब्रदर को अपना स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स डिफेंड करना है, वह भी ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रिकोशी के खिलाफ। वही जे उसो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब दोस्तों कुछ रूमर्स ऐसे है कि जे उसो नेक्स्ट वीक भी नहीं दिखेंगे और नेक्स्ट वीक टाइटल मैच है, इसलिए हो सकता है कि एडम पियर्स कुछ ऐसा कहे और करे जिमी उसो को टाइटल डिफेंड करने के लिए। अब जब जिमी उसो अकेले होंगे, जे नहीं होंगे, तो हो सकता है कि जे उसो की जगह सोलो सिकवा जिमी उसो के साथ टैग टीम बनाकर ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोशी के खिलाफ मैच लड़ते हुए नजर आए और फिर हो सकता है कि WWE जे उसो से टाइटल ले ले और वो सोलो सिकवा पर आ जाए। यह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है ब्लड लाइन में। तो दोस्तों क्या आप जिमी उसो के साथ टैग टीम में सोलो सिकवा को देखना चाहेंगे या नहीं, कॉमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।